अमेठी को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने अमेठी में 1000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अमेठी के गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी लोकसभा में 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। रायबरेली से अयोध्या को सीधे जोड़ने वाले 46 किलोमीटर लंबे टू लेन मार्ग को 4 लेन में बदला जाएगा। इसकी लागत 737 करोड़ रुपए होगी। इस सड़क का चौड़ीकरण होने से रायबरेली से अमेठी होते हुए अयोध्या तक लोग आसानी से जा सकेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने पूर्व की कांग्रेसी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जो मांगे पिछले कई दशकों से अमेठी की जनता कर रही थी उसे कांग्रेस ने नहीं पूरा किया है और हमारी सरकार बनते ही उन सभी मांगों को 5 साल में पूरा कर दिया गया है। राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 213 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरलगंज से तक 152 किलोमीटर, बरलगंज से देवरिया जिले नेवरा तक 61 किलोमीटर सड़क के कार्य का काम शुभारंभ हो गया। बिहार में भी राम जानकी परियोजना में 223 किलोमीटर का सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सीवान तथा पूर्व चंपारण जिले के चकिया तक 78 किलोमीटर का सड़क निर्माण हो गया। शिवहर से सीतामढ़ी जिले में 63 किलोमीटर काम पूरा हुआ है। सीवान से चकिया ये भी 82 किलोमीटर का काम पूरा हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और करीब 20,000 कहते हुए गौरव है कि 2 वर्षों में 83